रोज रोज का टेंशन, आज नाश्ते में क्या बनाएं, आज नाश्ते में क्या बनाएं। सो दोस्तों, अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत झटपट सा ये रेसिपी जो हम लेके आए हैं आप लोग के लिए। सो अगर आप लोग को ये रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को फुल वॉच करें। सो चलिए हम बनाते हैं झटपट सा ये खट्टी और मीठी सी रेसिपी। तो चलिए, इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हम सबसे पहले पैन रख दिए हैं गैस पे गर्म होने के लिए, और इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच मीठा तेल। अब मैं इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, जो के लाल और हरी है, तो ये दोनों को मैं अच्छे से काट के इसमें डाल दी। अब मैं इसमें डालूंगी उड़द दाल 2 चम्मच है, 2 चम्मच ये चना दाल जो भुना हुआ है, उड़द दाल भुना हुआ नहीं है, चना दाल भुना हुआ है, तो मैं इस तरह से इसमें डाल दी। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी मान लीजिए हींग हम डाल देंगे, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डालिएगा, कोई हींग बहुत कड़ा होता है जिसका खुशबू हार्ड होता है, ये नॉर्मल सा हींग है, तो हम इसमें 2 चुटकी डाल दिए। इसे थोड़ा सा हम चलाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ, जो कि ये चम्मच से देखिएगा 2 से 3 चम्मच है, छोटा चम्मच कटा हुआ हम इसमें डाल दिए हैं। हरा धनिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वाद बढ़ाता है इसमें। इसमें हम डाल दिए हैं 1 चम्मच नमक और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। आपको पसंद हो तो आप प्याज डाल सकते हैं, बिल्कुल चॉप किया हुआ, तो हम इसमें प्याज सब्जी का कोई भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। हम इसमें अब डाल दिए हैं रवा, जो रवा है 300 ग्राम, जिसे हम सूजी कहते हैं, इसी से हम बनाने वाले हैं अप्पे। मैंने रवा डाल दी और अच्छे से इसे हम भूनेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक हम इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, और ये जब ठंडा होने के बाद ही हम इसका जो बैटर तैयार करेंगे, ठंडा होने के बाद ही तैयार करेंगे। सो देखिए, ये मेरा भून के तैयार है, इसे हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम बनाएंगे नारियल की चटनी। नारियल की चटनी के लिए हम ले लिए हैं 1 अखी नारियल, और इसमें हम 2 से 3 मुट्ठी धनिया का पत्ती और 4 हरी मिर्ची। हम ये चटनी अभी नहीं पीसेंगे, इसे हम तैयार करके रख देते हैं बाटी में। अब पहले सबसे पहले हम लगाएंगे बैटर रवा का, जिसके लिए मेरा रवा हो गया है ठंडा। सो देख सकते हैं आप लोग कितना ठंडा, एकदम खिला खिला सा ये हो गया है। ये जो अप्पे बनाने के लिए आपको ना रवा को भुनना पड़ता है, भुनने से ही इसका स्वाद और फ्लेवर बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। सो देखिए कितना अभी से ही सुनहरा सा खुशबू आना स्टार्ट हो गया है। हम इसे दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये 300 ग्राम रवा है, तो इसमें जाएगा 150 ग्राम दही, तो दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे, ये होममेड दही है, हम खुद से बनाए दही, तो इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद हम इसमें सारा दही को ट्रांसफ़र कर देंगे। और जिस कटोरी से हमने 150 ग्राम दही ली हूँ, इसी कटोरी से मैं भर के 1 कटोरी पानी लूँगी, देख लीजिए आप इस तरह से, थोड़ा सा जो खाली है ना उसमें समझ लीजिए, बाद में थोड़ा सा और लग सकता है, रवा भुना हुआ है इसलिए पूरा फुल 1 कटोरी पानी लग जाएगा। अगर आप इडली बना रहे हो तो 1 कटोरी दही, 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी पानी से थोड़ा कम ही पानी लगेगा, क्योंकि वो कच्चा रवा से हम बनाते हैं, कभी भी हम बनाते हैं। मेरा ये इडली का रेसिपी होगा मेरे चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए, मेरा पानी कटोरी का पूरा लग चुका है और ये मेरा बैटर बनके तैयार है पूरी तरह से। इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, इंतज़ार करूंगी मैं, जब तक के लिए मैं करूंगी ये चटनी का तैयारी। तो चटनी मेरा पीस के है तैयार। सो देख लीजिए, चटनी में मैं डाल दी थी 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी, इसके साथ मैं चटनी को पीस ली हूँ। देखिए, ढेर सारा चटनी तैयार हो चुका है, थोड़ा सा जो दो बार करके पीसी हूँ, तो एक बार में पतला हुआ और एक बार में थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया, तो मैं वाटी धो के इसमें डाल दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे, ये जो चटनी है इसमें मैं तड़का डालूंगी। नारियल का चटनी है, तड़का के बगैर अधूरा है, तो मैं चटनी के लिए तड़का डालूंगी, जिसके लिए मैं इसमें 2 से 3 चम्मच मीठा तेल डाल दी। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच राई, अगर आपके पास पीला वाली राई हो तो पीली राई भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये काली राई है तो हम ये डाल दिए हैं। और इसमें हरी मिर्ची 2 पीस को टुकड़ा करके डाल दी और 2 चुटकी हींग डाल दी। इसे मैं तड़कने दूंगी और तड़कने के बाद डायरेक्ट मैं डालूंगी अपनी चटनी पे, जो कि मेरा नारियल का चटनी है। सो देख सकते हैं आप, इसमें मैं डायरेक्ट इस तरह से डाल दूँगी।
बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, बिल्कुल झागदार खुशबू। वाओ, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। सो चलिए अब हम बनाते हैं अप्पे, जिसके लिए हम सबसे पहले अप्पे पैन पे थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस करके इसे मैं गैस पे रख दूंगी ताकि ये मेरा पैन बिल्कुल गर्म हो जाए। और ज़्यादा पूरा फुल फ्लेम पे मुझे गर्म नहीं करना, बिल्कुल कम फ्लेम पे गर्म करना है। सो मैं अप्पे पैन पे तेल तो पूरा डाल के ग्रीस कर दी हूँ, अच्छे से इसे मैं रख दूँगी डायरेक्ट गैस पे। तो देखिए मैं गैस पे रख दी और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही गरम करना है, पूरा फुल फ्लेम पे नहीं गरम करना। सो देखिए अब जो हम बनाने वाले हैं अप्पे बैटर में जो देने वाले हैं ये है इनो। हम ज़्यादातर बनाते हैं तो इडली भी बनाते हैं तो इनो से ही बनाते हैं, अप्पे भी बनाएंगे तो इनो से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरा बैटर आप देख सकते हैं, ये बैटर बिल्कुल हार्ड हो गया है, इसमें थोड़ा पानी का ज़रूरत है। जैसा कि हम पहले ही बताए थे, कटोरी जो थोड़ा सा खाली था पानी का, ये कटोरी अगर फुल रखते तो मुझे ये बैटर में थोड़ा सा और पानी लग जाता। सो वो पानी तो पूरा लग गया था, बाद में मैं 2-3 चम्मच और ऐड करूँगी पानी। सो देखिए सबसे पहले मैं इनो से बनाऊँगी, तो एक बार में ही इनो नहीं डालना, जितना आपसे पकेगा एक बार अप्पे पैन में उतना ही हम बैटर लगाएंगे। सो थोड़ा सा हम पानी डाल दिए, 2-3 चम्मच पानी डाल दिए हैं इसमें। अब हम डालेंगे इनो, आधा बैटर हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली और जिसमें कि इनो नहीं है, तो आधा ही इनो मैं इस बैटर में दूंगी, आधा इनो मैं बचा के रखूँगी दूसरे बैटर के लिए जो कि मैं साइड में रख चुकी हूँ बैटर को। तो देखिए इसमें जैसे ही इनो मैं डाली वैसे ही एकदम फ्लफी सा ये बैटर बन चुका है, क्योंकि ये 15 मिनट वेट पे भी था और इसमें जब जैसे ही इनो गया वैसे इसका रिएक्शन चालू हो गया। सो देख सकते हैं आप, अब मैं झटपट अपने अप्पे पैन में डालूँगी। सो देखिए ये चम्मच से जो मैं डाल रही हूँ इससे थोड़ा सा अल्टर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है मेरा बैटर, तो मैं चम्मच एक थोड़ा सा छोटा चम्मच लूंगी जिससे मैं अपने अप्पे पैन में अप्पे बैटर को डालूंगी। तो इस तरह का मेरे पास चम्मच था, आप लोग के पास भी होगा ही किचन में। सो देख सकते हैं हम ये इस तरह का चम्मच से जब मैं डाली तो बिल्कुल इजीली और आराम से सारा बैटर अपना अप्पे पैन में आ चुका है। तो इस तरह से आप भी डालिएगा, देख सकते हैं आप कितना अच्छा से ये सारा बैटर मैं एकदम लेवल में ही डाली, लेकिन ये बाद में फूल जाएगा अच्छे से। मैं इसे बनाऊंगी ढक के, ढक्कन से ढक दूंगी। सो देख सकते हैं ढक्कन से मैं ढकी और इसे 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकने देना है। सो देखिए 5 मिनट हो चुका है और ये मेरा जो अप्पे है बिल्कुल तैयार है, अल्टी पलटी कर लीजिए इसको। तो एक साइड में देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है। तो इस तरह से मैं दूसरे साइड का भी सारा अप्पे को पलट दूंगी। अगर हाथ से ये चम्मच से नहीं हो पा रहा है तो आप हाथ की मदद से आप ये पलटी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना इजीली मेरा अप्पे बन के तैयार है। अब हम ये अप्पे को निकाल लेंगे, हो गया, मैं दोबारा भी पलट के ढक दी, अब ये बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं आप, एक साइड में मुझे पूरा नहीं पकाना, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पक चुका है, बहुत अच्छे से पका है, कुरमुरा सा भी लग रहा है। सो देखिए अब हम इसे जल्दी से निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना दूसरे साइड में, देखिए ये पूरी तरह से पक गया है। तो हम सारा इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से निकालने में कोई जल जाता है तो कोई कच्चा ही रह जाता है, तो आप इस तरह से नहीं निकालिएगा। हम फिर दूसरी बार जब हम डालेंगे इसमें बैटर तो हम आपको बताते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए फिर से मैं चम्मच की मदद से पूरा एक एक करके सारा अप्पे पैन में अप्पे डाल दें अप्पे का बैटर, तो ये बिल्कुल मेरा अप्पे इसमें परफेक्ट हो गया है, जितना मैं इनो दी थी जितना बैटर में परफेक्ट हो चुका है। तो देखिए ये मेरा दूसरी बार भी अप्पे बन के तैयार है। अब मैं इसे जल्दी से एक हाथ से पलट लूँगी और जब पूरा निकालने का बारी आएगा तो हम दिखाएंगे किस तरह से हम निकालते हैं, एक बार में ही निकल जाएगा बिल्कुल आराम से और ये अल्टी पल्टी भी बहुत इजीली हो जाता है। ये नॉनस्टिक है अप्पे पैन, आराम से ये हो जाता है। अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप देखिए कितना ईजिली हम निकाल लिए हैं पैन से, डायरेक्ट पलटी कर दिए, ये आराम से निकल गया। तो ढेर सारा मेरा अप्पे बन के तैयार है, अब मैं ये इंजॉय करूँगी नारियल की चटनी के साथ।
आप टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, टोमेटो सॉस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। ग्रीन चिली ग्रीन सॉस के साथ भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये चटनी मैं ग्रीन खुद से बनाई हूँ, हरा धनिया हरी मिर्च लहसुन से, तो ये बिल्कुल ईजी है, आप भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। सो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर से कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।